जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अभी हम बढ़ रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज पे। इससे पहले कि हम 3.2 एक्सरसाइज पे बढ़े, मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पिछले वीडियो पूरा नहीं देखा था उनको शायद ये मैसेज ना मिला हो, इसलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। मैंने कहा था और अभी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कम्प्लीट हो चुका है, उन सारे बच्चों को, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, तो उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने जीमेल आईडी को, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जीमेल आईडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो हमारा यूट्यूब लिंक्ड होता है वो जीमेल आईडी से लिंक्ड होता है, तो आप वो वाली जीमेल आईडी की लिंक मुझे WhatsApp पर भेजे अपने नाम के साथ, ताकि 15 जून के बाद से जो वीडियोस आएंगे उसकी लिंक मैं आपको आपके Gmail ID पर सेंड करूँगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तभी आप YouTube पर वीडियो देख पाओगे, अदरवाइज आप वो देख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए बिना भूले आप मुझे अभी से अपने WhatsApp नंबर से ईमेल आईडी, आपका जीमेल आईडी मुझे सेंड करना शुरू करें, ठीक है। सेकेंड थिंग, जिन लोगों का फुल पेमेंट हो चुका है वो आकर अपनी किट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले आपको मुझे कॉल करना है। मैं वन बाय वन आपको जो टाइम दूंगा उसी टाइम में आपको आके वो लेके जाना है, सो दैट यहाँ पर हम लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है और ना ही मुझे एट ए टाइम दो लोग यहाँ पर चाहिए। वन एट ए टाइम आप आओगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आप आपकी किट वहाँ से कलेक्ट करके लेकर जाओगे। मैंने किट को यहाँ सैनिटाइज करके रखा हुआ है, आपको घर जाके उसको फिर से एक बार सैनिटाइज करना है, हमको पूरा प्रिकॉशन लेना है सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का, ठीक है। तो ये दो बातों का आपको ख्याल रखना है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। दो वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसके अंदर में दो सब क्वेश्चंस है, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेयर को फॉर्म करना है और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली पता करने हैं। पिछले एक्सरसाइज के अंदर में हमने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, हमने सॉल्यूशंस को नहीं बताए थे, यहाँ पर हमको सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु took पार्ट इन द क्विज। अब इसको ब्रेक करके समझा रहा हूँ। टोटल 10 स्टूडेंट्स थे क्लास 10 के जो एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है, 4 मोर है, 4 ज़्यादा है किससे, दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, जितने बॉयज़ और जितने गर्ल्स थे उसमें गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है बॉयज़ के कंपैरिजन में, और कितनी ज़्यादा है, 4 गर्ल्स ज़्यादा है। तो हमको नहीं पता कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ थे, तो हम बोलेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड बॉयज इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ बोलेंगे देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज मिला के कितने हो गए, 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन में नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जितने बॉयज थे उसमें 4 ऐड करोगे तो इतनी गर्ल्स थी, बॉयज से 4 ज़्यादा, 4 मोर, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अगर आपको इसको अरेंज करना है तो आप इसको x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0
इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ग्राफ बनाने हैं एक ही कार्टेशियन सिस्टम पे। ये पहले इक्वेशन का आया फॉर एग्जांपल, ये दूसरे इक्वेशन का आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। अब हम इसका सब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। तो सब क्वेश्चन नंबर टू हम लोग पढ़ते हैं। फाइव पेंसिल्स एंड सेवन पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, वेयर एज सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों के आए होंगे, लेकिन मेरा काम है सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बोलते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड वन पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज वाई। देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फाइव पेंसिल्स, तो फाइव पेंसिल कितने रुपए की होगी, फाइव वाई रुपीज की। एंड सेवन पेन्स, एक पेन एक्स रुपीज की है तो सेवन पेन होगी सेवन एक्स रुपीज की, कुल मिला के हो गए 50 रुपीज। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकेंड कंडीशन में, बाय सेकेंड कंडीशन क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन में सेवन पेंसिल्स मतलब के सेवन वाई रुपीज़ की, एंड फाइव पेन्स तो फाइव एक्स रुपीज़ के, कुल मिला के कितने रुपए का बिल हो गया, रुपीज़ 46, इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे एक चीज़ आपको खास बात देखने मिलेगी, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज हुए हैं। सेवन एक्स था तो अभी यहाँ सेवन वाई हो गया, फाइव वाई था तो यहाँ पे फाइव एक्स हो गया, तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जब आगे हम लोग देखेंगे तो एक दूसरा पैटर्न है सॉल्व करने का, वो हम तब देखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग ग्राफिकल मेथड ही देख रहे हैं। अब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पे आपको एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट पता चलेगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर टू को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमको रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि इनके जो ग्राफ है ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल रहेगी लाइंस या कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। हमने पिछले वीडियो के अंदर में, लास्ट बट वन वीडियो के अंदर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हैं कि उसका ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमको उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, एक और क्वेश्चन है सब क्वेश्चन नंबर थ्री, वो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इसको बता देते हैं हम लोग वन एंड टू। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस वन एंड टू विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू जीरो एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू जीरो, वी गेट, यहाँ पर हमको A1 मिल रहा है, A1 इज इक्वल्स टू 5, B1 इज इक्वल्स टू -4, C1 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह A2 इज इक्वल्स टू मिल रहा है 7, B2 मिल रहा है 6, C2 इज इक्वल्स टू मिल रहा है -9। तो यहाँ पर आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 पता चल गया है। अभी रेशियो लेते हैं, therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 5/7, इसको बोला नंबर 1, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू -4/6, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा नेगेटिव, 2 से डिवाइड होता है तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो ये आएगा -2/3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो पहले दो में ही समझ में आता है कि A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो C1 अपॉन C2 पे जाने का कोई काम नहीं है। तो आप बोलोगे therefore from 1 and 2 A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो अब ये इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, जब
एक तो सारे इक्वल चाहिए, नहीं तो एक भी इक्वल नहीं चाहिए, तो ही कंसिस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर एक भी इक्वल नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट तो आएगा, लेकिन जब एक भी इक्वल नहीं रहता है तो एक ही सॉल्यूशन रहता है, सारे इक्वल रहते हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशंस रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये कंसिस्टेंट तो है बट द ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो आप बोलोगे देयर फोर द लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, एट ए पॉइंट ये आपने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेलिंग करनी है ऐसे हर टाइप, ऐसे टाइप के हर प्रॉब्लम में, लेकिन मैं अब हर प्रॉब्लम में इतना डिटेलिंग नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं इक्वेशन नंबर टू में। आप फिर से ऐसे ही पैटर्न लिखोगे, मैं यहाँ ओरली आपको बता रहा हूँ वर्बली, 9/18 a1/a2 यानी आया 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों भी इक्वल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो ग्राफ या द लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, ये आप लिखोगे। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं, इसका a1/a2 अगर हम निकालते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आएगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है, इसको आप नंबर 3 बोल दो। फिर उसके बाद में b1/b2 ले लेते हैं, वो आएगा -3/-1, तो ये आएगा +3 आ जाएगा, यानी 3 ही आएगा, 3/1। नंबर 4, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में नंबरिंग गलत हो गई थी, इक्वेशंस को भी 1:2 दिया था और यहाँ पे भी 1:2 दिया था, वो आप थोड़ा सा उसको समझ लो। अब ये भी इक्वल है तो c1/c2 कंपेयर करना ही पड़ेगा, तो आएगा 10/9। ठीक है, अब ये 10/9 तो ये डिवाइड होता नहीं है, तो ये c1/c2 से इक्वल नहीं है, यानी पहले दो इक्वल है लेकिन c1/c2 से इक्वल नहीं है। मैंने कहा था अगर इक्वल है तो सारे चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर देखो ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये लाइन के कोई सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, मतलब लाइंस जो आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। तो आप बोलोगे सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन एंड द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। आई बात समझ में? तो हियर इट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, फिर से सेकंड नंबर के जैसा ही है, फर्क क्या है वो भी समझ लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको पूछा था कि उसके ग्राफ किस तरीके के आएंगे। यहाँ पर हमको ये नहीं पूछा है कि ग्राफ किस तरीके के आएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पूछा है कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब मानेंगे, जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो भी निकलता है। ठीक है, यानी यूनिक सॉल्यूशन अगर है या कोइंसिडेंट लाइन, यानी मल्टीपल सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो दोनों भी केस में कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर पैरेलल लाइंस वाला कंडीशन बनता है, यानी नो सॉल्यूशन का कंडीशन बनता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये फर्क था, आपको शायद समझ में आया हो। ठीक है, चलो अभी कंपेयर करते हैं। पहले यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, a1/a2 आपको दिखाई देगा, a1/a2 आएगा 3/2, b1/b2 आप देख लो आएगा 2/-3 यानी -2/3, 2/-3 -2/3, दोनों भी अलग अलग हैं, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी। ये हमारे लिए आपको आंसर में क्या बताना है कि ये कंसिस्टेंट रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। सेकेंड वाले में देखते हैं 2/4 यानी 1/2 a1/a2, -3/6 यानी फिर से +1/2, 8/9 तो ये 8/9 तो सॉल्व नहीं होता, ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि आधे इक्वल आधे नहीं इक्वल, तो यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे लाइंस जो आएगी वो पैरेलल आएगी। ठीक है, देन थर्ड यहाँ पर आपको सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे ए का वैल्यू हुआ 3/2 a1 का, a2 का वैल्यू हुआ 9, इस तरह। तो अब आप सॉल्व करते हो, क्या करते हो कि ये 2 जो आता है ये नीचे उतर जाता है, ये आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। तो यहाँ पर
थ्री, नाइन, टू नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, थ्री वन जार, थ्री थ्री जार, तो आंसर आया आपका वन और नीचे आया सिक्स, तो ये बन गया आपका ए वन अपॉन ए टू। फिर ये रहेगा फाइव बाय थ्री डिवाइडेड बाय टेन, फाइव बाय थ्री डिवाइडेड बाय टेन, थ्री नीचे आएगा तो ये बनेगा आपका फाइव डिवाइडेड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय थ्री, फिर से फाइव वन जार, फाइव टू जार, बन गया आपका वन बाय सिक्स। उसी तरह सेवन बाय फोर्टीन यानी बना वन बाय टू, फिर से देखिए ये आ रहा है आपका वन बाय सिक्स, ये आ रहा है आपका वन बाय सिक्स, तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल है, लेकिन सी वन अपॉन सी टू आ रहा है वन बाय टू जो कि इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है मतलब दो इक्वल दो नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन यानि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। फिर फोर्थ फाइव बाय माइनस टेन यानि आ गया नेगेटिव वन बाय टू, फिर माइनस थ्री बाय सिक्स यानि नेगेटिव वन बाय टू, इलेवन बाय माइनस ट्वेंटी टू यानि नेगेटिव वन बाय टू, इन तीनों भी केसेस में ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशन, और जब मल्टीपल सॉल्यूशन आ रहे हैं मतलब के कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी लास्ट दिया है फिफ्थ वाला, ठीक है, वो आप खुद करके देखिए, नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। अभी फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक जैसा ही है, सिर्फ एक चेंज है उसमें, देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे इसके अलावा क्या पूछा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन निकाल के दो, मतलब जहाँ पर कंसिस्टेंट आंसर आएगा वहाँ पर आपको उसका ग्राफ भी निकालना पड़ेगा, ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर थ्री। आई होप आप लोगों को ये मालूम है कि किस तरह से कंसिस्टेंट है या नहीं हमको पता करना है। दो मिनट के अंदर मैं फास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्या, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे एज आई ऑलवेज से। नाउ ए वन अपॉन ए टू वन बाय टू, बी वन अपॉन बी टू वन बाय टू, सी वन अपॉन सी टू फाइव बाय टेन अगेन वन बाय टू, तीनों इक्वल है मतलब कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, ग्राफ निकालना पड़ेगा। फिर ए वन अपॉन ए टू वन बाय थ्री, बी वन अपॉन बी टू माइनस वन बाय माइनस थ्री यानी फिर से वन बाय थ्री, एट बाय सिक्सटीन सी वन अपॉन सी टू यानी वन बाय टू, तो यहाँ पे दो इक्वल नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं। फिर थ्री पे टू बाय फोर यानी वन बाय टू आया ए वन अपॉन ए टू, वन बाय माइनस टू यानी माइनस वन बाय टू, देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा है, जब पहले दो इक्वल नहीं है तो तीसरे पे जाने की बात ही खत्म हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन आएगा आपको एक पॉइंट में, ठीक है। फिर से टू बाय फोर वन बाय टू माइनस टू बाय फोर, फिर से वन बाय टू और ये आएगा टू बाय फाइव, तो अगेन ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब के यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आएगा, लाइन पैरेलल आएगी, ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चार में से आपको दो जगह ग्राफ निकालने हैं, दो जगह ग्राफ निकालने नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मैं पढ़ रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज फोर मोर देन ट्वाइस देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव, बोल रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। फिलहाल तो हम लोगों को लेंथ और विड्थ के बारे में जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमको समझना है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ तो ये लेंथ हुआ और ये ब्रेड्थ हुआ, जिसको यहाँ पर विड्थ बोला गया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि लेंथ जो है ये 4 मीटर मोर है, ज़्यादा है, किससे, देन इज विड्थ यानी उसके विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, तो लेंथ का वैल्यू हो गया 4 मीटर प्लस ब्रेड्थ। अब वो बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना हो रहा है, इज 36 मीटर।
वो 36 मीटर है, तो हमको डायमेंशंस ऑफ द गार्डन पता करने के लिए बोला है। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन आर लेंथ इज इक्वल्स टू, हम लेंथ को एक्स ले लेते हैं और ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू वाई मीटर, ये हमने मीटर मीटर में ले लिया। अब यहाँ पर लेंथ कितना बता रहा है, देयरफॉर बाय फर्स्ट कंडीशन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेड्थ, 4 प्लस ब्रेड्थ दैट इज x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ग्राफिकली आपको ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ y की वैल्यू कंसिडर करना है, x की वैल्यू अपने आप आती चले जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, बाय सेकेंड कंडीशन पेरीमीटर का हाफ, हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। अब हाफ हम वैसे ही रखेंगे, हम देखेंगे कि पेरीमीटर का वैल्यू फॉर्मूला वाइज क्या आता है, तो पेरीमीटर आता है ट्वाइस एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पे हाफ और टू तो कट गया, एल प्लस बी बचेगा, तो एल का वैल्यू हमारा है एक्स और ब्रेड्थ का वैल्यू है वाई, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 36। ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ पे हमको क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब आप इसको दो इक्वेशंस को यूज़ करके सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू पता चलेगी। सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीपल तरीके हैं, अभी फ़िलहाल हम एक ही तरीके पे बात कर रहे हैं, वो है ग्राफिकल। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। एज़ यूजुअल फिर से इंटरसेक्शन आया तो एक कॉमन सॉल्यूशन रहेगा और एक ही आएगा, आप देख लो रेशियो को कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आने के बाद आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एक्स विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ, करस्पॉन्डिंग वाई विल बी द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ, ओके। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमको गिवन इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। बोल रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन है, पहले सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, दूसरे सिचुएशन में पैरेलल लाइंस चाहिए और तीसरे सिचुएशन में कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। अब हमको एक एक इक्वेशन इनके हिसाब से डिज़ाइन करना है, इसके साथ में कौन सा इक्वेशन बनना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन आने के लिए आप सब जानते हो कि ए वन अपॉन ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अब आप यहाँ पे 2x है तो मैं यहाँ पे मान लो कि 4x ले लेता हूँ, तो a1 वन अपॉन ए टू कितना हो जाएगा 1/2। अब b1 वन अपॉन बी टू 1/2 नहीं चाहिए, फिर कोई भी ले सकते हो, तो आप 6 के अलावा यहाँ पे कोई भी ले लो। मैं माइनस 5y ले लेता हूँ, प्लस 7 ले लो इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये इंटरसेक्टिंग आएगा क्योंकि आप देख रहे हो a1 वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू b1 वन अपॉन बी टू। अब पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल लाइन में ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल चाहिए, लेकिन सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं चाहिए, ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे 2 के साथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 4 के जगह पे 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6x आ गया, तो ए वन अपॉन ए टू आ गया 2/6 यानी 1/3, ये भी 1/3 चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव 9y ले लेंगे, ये 1/3 आ गया। अब यहाँ पे माइनस 8 है, आप यहाँ पे 4 या कुछ भी ले लो, मैं 3 ले लेता हूँ, प्लस 3 या 3 ना लेते हुए 5 ले लो इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बन गया इसमें आप a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल रहेंगे,
लेकिन सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं रहेगा और इसीलिए ये पैरेलल लाइंस देगा, यानी नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट। अभी कोइंसिडेंट लाइन चाहिए, तो आप सब जानते हो कि ये ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू इक्वल चाहिए। सो यहाँ पर टू के साथ में आप जो चाहे ले लो, टू को फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो टेन ले लो, तो ये आएगा टेन एक्स। इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टीन वाई, और इसको फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एट फाइव ज़र फोर्टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इक्वेशन बन गया, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस आएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेवेंथ क्वेश्चन जस्ट पढ़ रहा हूँ, देखते हैं इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए है क्या। ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म। ओके, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो। Determine the coordinates of the vertices of the triangles formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होने वाला है। आप जब इसका ग्राफ निकालोगे दो लाइन्स का, तो यहाँ पे हो सकता है कि दो लाइन्स इस तरह से इंटरसेक्टिंग आए। दिस माइट बी द लाइन ऑफ इक्वेशन वन, दिस माइट बी द लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर टू, वॉट एवर। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पे ये दो लाइंस और कोई भी एक एक्सिस, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, इनके साथ में एक ट्राइंगल बनता है अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमने नाइन्थ स्टैंड में भी डिस्कस किया था। वैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा आप देखो यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, दिखा। जैसे वर्टाइसिस निकाल लो इसका, ए बी और सी, एक तो ऐसा होगा, नहीं तो ए पी क्यू ऐसा होगा। तो एक ट्राइंगल बना ए पी क्यू, एक ट्राइंगल बना ए बी सी। दोनों में फ़र्क क्या है, ए बी सी ट्राइंगल में लाइंस जो हमने निकाली है वो और एक्स एक्सिस, इनका ग्राफ बन रहा है। दूसरे ट्राइंगल में ए पी क्यू में क्या हो रहा है, लाइंस इक्वेशन वन और टू की और वाई एक्सिस, इनमें ग्राफ बन रहा है, इनमें ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ भी बनता है और वाई एक्सिस के साथ भी बनता है। आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर कि वो एक्स एक्सिस के साथ बोला है या वाई एक्सिस के साथ में बोला हुआ है। तो हमको यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस के साथ बोला हुआ है तो ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करना पड़ेगा। और वो क्या पूछ रहा है आपको कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टाइसेस के, मतलब आपको ए का वर्टेक्स बताना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा ए वर्टेक्स का, जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आप ये वाला लोगे और वाई कोऑर्डिनेट ये वाला लोगे। तो ये एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। B के कोऑर्डिनेट्स में और C के कोऑर्डिनेट्स में Y कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा क्योंकि वो X एक्सिस के ऊपर है। यहाँ जो भी रहेगा, मान लो नेगेटिव वन होगा तो ये नेगेटिव वन आएगा, यहाँ पे सिक्स होगा तो यहाँ सिक्स आ जाएगा। इस तरह से आपने A, B और C के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। शेड करने के लिए कहा गया था तो हमने शेड भी कर लिया। बहुत सारी बार आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा रहता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस आप पकड़ोगे बी सी को और हाइट पकड़ोगे ये वाला ए डी को। तो हाइट तो ये जितना वाई यहाँ पर आ रहा है वो आपका हाइट का काम करेगा। बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, इस तरह से डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ तक निकालना है। तो ये डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस कैसा रहेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, छोटा नंबर नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आएगा वो आएगा 7 यूनिट्स का। और ये जो भी रहेगा, मान लो 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 7 और 5, इसको बेस और हाइट कंसिडर करोगे और एरिया पता कर लोगे। अभी यहाँ पर बोला नहीं है बट इनकेस अगर पूछते हैं तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बोल दीजिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। अदरवाइज़ यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टोटल तीन मेथड्स आएगी। अब आगे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर टाइप की मेथड के ऊपर एक एक्सरसाइज रहेगी, इस तरह से अभी तीन एक्सरसाइज हम देखेंगे और उसके बाद मिसलिनियस अगर कुछ रहता है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।